स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल में। तो आज मैं अपनी मिथी कुक की पौराणिक रसोई से आप लोगों के लिए पंचमुखी हनुमान की कथा लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को पता चलेगा कि हनुमान जी को पंचमुखी हनुमान क्यों कहा जाता है और इसके पीछे की क्या स्टोरी है। दोस्तों जैसा कि आपने कई घरों में देखा होगा कि हनुमान जी के चार मुख हैं और वे चारों मुख एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखते हैं। पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लोगों के घर में साउथ डायरेक्शन की तरफ लगी रहती है। लोगों का मानना है कि इस फोटो को लगाने से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और नेगेटिव एनर्जीज दूर होती हैं। दोस्तों इस कहानी को जानने के लिए हम लोगों को रामायण काल में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो ये बात उस समय की है जब रामायण युद्ध चल रहा होता है और हाल ही में लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत को परास्त किया होता है। अपने बेटे की मृत्यु से बहुत ज्यादा रावण दुखी होते हैं। अब राम और लक्ष्मण को परास्त करने के लिए रावण बहुत ज्यादा प्लान्स बनाने लगता है, इसलिए वे बुलाते हैं अहिरावण को जो कि होता है पाताल लोक का स्वामी। अब अहिरावण बोलता है कि मुझे इस युद्ध का पार्ट नहीं बनना, इसलिए रावण बहुत परेशान हो जाता है। रावण अहिरावण को अपनी मीठी मीठी बातों में लपेटते हैं और कहते हैं, अरे तुम तो देवी के भक्त हो और अगर तुम राम और लक्ष्मण की देवी को बलि चढ़ाओगे तो देवी कितनी ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगी। ये बात सुनकर अहिरावण खुश हो जाता है और युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। अब अहिरावण और रावण की बातें विभीषण सुन लेता है और राम और लक्ष्मण जी को उनकी प्लानिंग के बारे में जाकर बता देता है। अब जैसे ही हनुमान जी ये बात सुनते हैं, वह अपनी पूंछ से राम और लक्ष्मण की कुटिया के चारों तरफ एक डेरा सा बना देते हैं और ऐसा कर देते हैं कि कोई भी उनकी परमिशन के बिना अंदर ना जा सके। अब अहिरावण बहुत प्रयास करते हैं कि वो जैसे तैसे राम और लक्ष्मण को उठा ले, लेकिन हनुमान जी की पूंछ की वजह से वे अंदर जा ही नहीं पाते हैं। अब अहिरावण होता तो मायावी है, इसलिए वह परेशान होकर विभीषण का रूप बना लेता है। अब हनुमान जी सोचते हैं कि विभीषण से हमें क्या ही दिक्कत है, इसलिए विभीषण को कुटिया के अंदर जाने देते हैं। उसके बाद अहिरावण कुटिया में जाता है और वो राम और लक्ष्मण जी को वहाँ से छू मंत्र करके पाताल लोक ले आता है। अब जिस समय ये इंसिडेंट हुआ होता है उस समय सेम टाइम पे विभीषण भी वहाँ पहुँच जाते हैं। हनुमान जी उनको देखकर पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे, तुम तो अभी अंदर गए थे। हनुमान जी को समझते बिल्कुल भी देरी नहीं लगती कि ये सब रावण की ही प्लानिंग है। हनुमान जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि अहिरावण की आखिर हिम्मत कैसे हुई जो मेरे प्रभु को उठा ले गया। क्रोधित होकर हनुमान जी पाताल लोक जाते हैं। पाताल लोक में वह देखते हैं कि अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को माँ देवी के नीचे सुला रखा है बलि देने के लिए। उसके बाद अहिरावण और हनुमान जी के बीच एक भीषण युद्ध होता है। अहिरावण बहुत कॉन्फिडेंस के साथ लड़ाई कर रहा होता है और मार खाया जा रहा था। ये देखकर हनुमान जी बहुत सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। तब अचानक से हनुमान जी की नजर वहाँ पर रखे हुए पांच दियों पर जाती है, क्योंकि अहिरावण की जान उन दियों में ही बसी रहती है। अहिरावण ने अपनी जान को उन पांच दियों में रखा होता है कि जब ये पांच दिए एक साथ बुझाए जाएंगे तभी अहिरावण की मृत्यु होगी। हनुमान जी बहुत प्रयास करते हैं कि एक ही समय पर ये पांच दिए मैं बुझा दूं, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाते। अब हनुमान जी थोड़ा पीछे होते हैं और हाथ जोड़ के अपने प्रभु श्री राम को याद करते हैं। अब जैसे वो प्रभु श्री राम को याद करते हैं उनके चार सर और आ जाते हैं और वह मौके पे चौका मारते हुए पांचों दिए एक साथ बुझा देते हैं और इस प्रकार अहिरावण का वध हो जाता है। दोस्तों अब ये जो चार चेहरे हनुमान जी के हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं पुरुषार्थ के चार स्तंभ को, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इससे पहले मैं आप लोगों को यह बताऊं कि ये चार चेहरे कौन थे, किसके थे, मैं उससे पहले आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। एक बार ब्रह्मा जी को कॉन्शियसनेस आती है तो वह सोचते हैं मैं क्या हूँ, कौन हूँ और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तभी अचानक से एक आकाशवाणी होती है और ब्रह्मा जी को वह तप करने के लिए कहती है। जब ब्रह्मा जी तप करते हैं तब उनको रियलाइज होता है कि वह विष्णु जी के नाभि से निकले हुए एक कमल पर बैठे हैं। अब वह फिर से तप करने बैठते हैं तो उनको पुराणों के ज्ञान का स्मरण होता है और वेदों के ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब ब्रह्मा जी उस ज्ञान को लिखते हैं 100 करोड़ श्लोक के पुराण में और वह उसे आगे के लिए रख देते हैं कि जब द्वापर युग में विष्णु जी वेद व्यास के रूप में आएंगे तो वह उस पुराण को छोटे छोटे 18 पुराण में डिवाइड कर देंगे। अब चलते हैं हनुमान जी के चेहरे की तरफ। आकाश में देखता हुआ चेहरा होता है हयग्रीव का। भगवान विष्णु ने हयग्रीव का रूप लिया होता है हयग्रीव असुर को मारने के लिए, जो कि था ऋषि कश्यप और दानु का बेटा। हयग्रीव ने देवी की तप और साधना करके देवी से वरदान लिया था कि उसको सिर्फ वही मार सकता है। अब जैसे ही देवी का उसको वरदान मिला वह भाग गया ब्रह्मा जी के वेदों और पुराण को चुराने के लिए। अब उसका पॉइंट ये था कि किसी के पास भी आदि पराशक्ति के ज्ञान ना पहुँचे, कोई संस्कार ना पहुँचे, सब लोग अज्ञानी और मूढ़ बुद्धि रह जाए। अब ब्रह्मा जी बहुत परेशान हो जाते हैं, इसलिए वह विष्णु जी के पास पहुँचते हैं
उस समय अपने धनुष पर विष्णु जी सर टिका के सो रहे होते हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि किसी को भी नींद से उठाना ब्रह्म हत्या के पाप के बराबर होता है, और अब ये काम तो ब्रह्मा जी करने से रहे, इसलिए ब्रह्मा जी काफी परेशान हो जाते हैं। इसलिए वह दीमक का आविष्कार करते हैं कि जैसे ही धनुष दीमक खाएगी तब धनुष टूटेगा और विष्णु जी की नींद टूट जाएगी। अब जैसे ही धनुष टूटता है विष्णु जी का सर उनके धड़ से टूटकर अलग गिर जाता है। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच जाता है, देवता भी काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता होता है कि ये अलग ही तरीके की माया चल रही है। तब योग निद्रा देवी आती है और कहती है कि विष्णु जी को मैंने ही योग निद्रा के वश में करा हुआ था, अब जाकर एक घोड़े का धड़ लेकर आओ और इनके सर पर लगाओ और हयाग्रीव से युद्ध करने के लिए विष्णु जी को भेजो। अब ब्रह्मा जी काफी प्रसन्न हो जाते हैं कि मैं तो आया ही इसलिए था। अब जैसे ही विष्णु जी जाते हैं और हयाग्रीव को मारते हैं, वो पुरुषार्थ के चौथे स्तंभ मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है। अब आप खुद सोचो कि जब तक आपको आदि पराशक्ति का ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। अब पंचमुखी हनुमान के नॉर्थ की तरफ देखते हैं वारा, जिनका अवतार हुआ था हिरण्याक्ष को मारने के लिए, जो कि ऋषि कश्यप और तिथि का बेटा था। अब हिरण्याक्ष ने भी खूब तप किया और वरदान के रूप में उसने सारे जानवरों के नाम ले लिए कि मुझे ये ना मार सके, मुझे ये ना मार सके। इन नामों में लेकिन वो सुअर का नाम लेना भूल गया, क्योंकि उसने सोचा कि सुअर मेरा क्या ही बिगाड़ पाएगा। अब इसी के अनुसार हिरण्याक्ष को वरदान मिल जाता है। अब जैसे उसे वरदान मिलता है वो पूरी सृष्टि को पानी में जाकर डुबा देता है और अपने मन में यह विचार करता है कि मुझे ब्रह्मा की सृष्टि चाहिए ही नहीं, मैं अपनी एक अलग सृष्टि बनाऊंगा, यानी कि मैं अपनी एक अलग दुनिया बनाऊंगा, वहाँ पे बस मेरे जैसे ही लोग होंगे। अब ब्रह्मा जी हिरण्याक्ष के पास आते हैं और कहते हैं कि तुमने भूदेवी को और पूरी सृष्टि को पानी में डुबो रखा है, अब सृष्टि का संचार कैसे होगा। बहुत विनती करने में भी हिरण्याक्ष नहीं मानता और भूदेवी को पानी से नहीं निकालता है। इसके बाद भगवान विष्णु वारा अवतार लेते हैं और हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं, और अपने वारा अवतार से भगवान विष्णु भूदेवी को पानी में से अपने दांत पे रखकर बाहर निकालते हैं और फिर भूदेवी को सही जगह स्थापित करते हैं और पुरुषार्थ के दूसरे स्तंभ अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अर्थ का मतलब प्लेनेट नहीं है, अर्थ का मतलब होता है एक इकोसिस्टम, एक मोरल सिस्टम, जो कि एक सृष्टि को चलाने के लिए जरूरी होता है। पंचमुखी हनुमान में ईस्ट की तरफ तो हमारे प्यारे हनुमान जी देख ही रहे थे, विच वॉज रेडी टू किल अहिरावण। साउथ की तरफ देख रहे हैं नरसिंह भगवान, जिनका अवतार होता है हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। अब दोस्तों हिरण्यकश्यप था ऋषि कश्यप और तिथि का बेटा, जो कि भगवान से इतना ज्यादा बैर लेके बैठा था कि तुमने मेरे भाई को मारा तो आखिर मारा कैसे, अब मैं इसका बदला तो लेकर ही रहूंगा। अब इसलिए वह भगवान की इतनी घोर तपस्या करता है और वरदान लेता है कि ना मुझे कोई दिन में मारे, ना कोई रात में मारे, ना मुझे कोई घर के अंदर मारे, ना कोई मुझे बाहर मारे, ना मुझे कोई देव मार सके और ना ही मुझे कोई दानव मार सके, ना ही मुझे कोई घर वाला मार सके और ना ही मुझे कोई बाहर वाला मार सके। वरदान मिलते ही हिरण्यकश्यप काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद उसके महल में जो भी भगवान का नाम लेता था वह उसको पकड़ के मार देता था। इवन हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद को मारने पे भी आतुर हो जाते हैं कि आखिर उसने भगवान विष्णु का नाम लिया तो लिया कैसे। दोस्तों अब आप एक बात खुद छोटी सी सोचो कि यदि कोई आदि पराशक्ति की शरण में नहीं जाएगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि क्या गलत है क्या सही है, उसको धर्म और अधर्म में फर्क कैसे पता चलेगा। तो आखिर में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, और इस प्रकार भगवान विष्णु अपने नरसिंह अवतार से लोगों को उसके अत्याचार से बचाते हैं और सृष्टि में धर्म की स्थापना करते हैं। अब जो वेस्ट की तरफ देखते हैं वह है गरुण। गरुण भगवान विष्णु के वाहन और ऋषि कश्यप और विंता के बेटे थे। अब विंता को ऋषि कश्यप की दूसरी पत्नी कद्रु और उसके हजार बेटे जो कि सांप थे उन्होंने बंदी बना रखा था। स्वाभाविक रूप से गरुण वहाँ पर जाते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरी माँ को बंदी क्यों बना रखा, इसे छोड़ दो। तब वो हजार सपोलो कहते हैं एक काम करो, तुम इंद्रलोक जाओ और वहाँ से अमृत लाकर हमें दो, तब हम तुम्हारी माता को छोड़ देंगे। यह सुनकर गरुण धर्म संकट में आ गया, लेकिन वो करे भी तो क्या करे। फिर गरुण इंद्रलोक गया और वहाँ पर सबसे लड़ झगड़ कर अमृत लेकर आया। जब वह अमृत लेकर रास्ते में थे तब उनको वहाँ पर भगवान विष्णु मिलते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि देखो जो तुम कर रहे हो ये काफी ज्यादा गलत है, तुम्हारा भाई अरुण मेरे सूर्य नारायण रूप में मेरा सारथी है और तुम भी मेरे वाहन बन जाओ, इसलिए ऐसा कुछ भी मत करो। गरुण के हाथ में अमृत होने के बाद भी गरुण ने अमृत की तरफ मुड़ के देखा भी नहीं और उसने ना ही अमृत की एक भी बूंद ग्रहण करी। और जब भगवान विष्णु ने गरुण को समझाने की कोशिश करी तो गरुण वह बात एक बात में समझ गए जो कि उसके बाकी भाई नहीं समझ पाए थे। अब भगवान विष्णु और गरुण एक प्लान बनाते हैं
गरुण वह अमृत ले जाकर अपने सांप भाइयों के सामने रख देते हैं और वह उनकी माँ को मुक्त कर देते हैं। लेकिन जैसे ही उसके सांप भाई वह अमृत पीने जाते हैं, गरुण बोलते हैं, रुक जाओ, अभी जाओ और हाथ पैर धोकर आओ, ये अमृत है, कोई साधारण चीज थोड़ी ना है। अब सांप भाई आपस में कहते हैं कि गरुण कह तो सही रहा है, और जैसे ही वो लोग हाथ मुंह धोने जाते हैं, वैसे ही इंद्रलोक से इंद्र का पुत्र आकर वह अमृत का कलश लेकर छुमंतर हो जाता है। और इस प्रकार गरुण गलत काम करने से भी बच गया और उसकी माँ भी मुक्त हो गई। तो गरुण किसी भी अल्प बुद्धि में लिए गए डिसीजन, अहंकार, मद, क्रोध और लालच में ना आकर अमृत की लालसा ना रख के पुरुषार्थ के चौथे स्तंभ काम को रिप्रेजेंट करता है। और एक और बात, रामायण के टाइम पर गरुण आते हैं अपने बेटे जैसे भतीजे जटायु के रूप में और सीता मैया को रावण के काम से भी बचाने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि मैं बार बार ऋषि कश्यप का नाम क्यों ले रही थी। तो अगर दोस्तों आप लोगों ने रामायण पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ऋषि कश्यप और अदिति राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में आते हैं और श्री राम उनके यहाँ जन्म लेते हैं। तो दोस्तों हनुमान जी अलोंग विद द विष्णु जी के अवतार और विष्णु जी के सवारी के साथ हमारे घरों में निवास करते हैं और साथ ही साथ हमें हर प्रकार की आपत्तियों से भी बचाते हैं। तो दोस्तों यह थी पंचमुखी हनुमान की कहानी और उसका अद्भुत रहस्य। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।